जयपुर में देर रात कार सवार कुछ बदमाशों ने एक युवक का किडनैप कर लिया। किडनैपिंग की सूचना के बाद जयपुर में हड़कंप मच गया। घटना मानसरोवर थाना इलाके के नारायण विहार की है। सूचना के बाद पुलिस ने कार सवार बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी की। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। लोकेशन पाए जाने पर आखिरकार जिला स्पेशल टीम और मानसरोवर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार सवार बदमाशों का पीछा किया। मुहाना इलाके के पास पुलिस ने कार की घेराबंदी करते हुए युवक बदमाशों के चंगुल से मुक्त कराया और एक आरोपी को भी दबोच लिया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर बाकी तीन आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवक का नाम नरेंद्र चौधरी है और पूछताछ में ये सामने आया कि आरोपियों की पीड़ित युवक से रंजिश चल रही थी और इसी के तहत पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। क्या रहा यह पूरा मामला, संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने मानसरोवर थाना इलाके से पूरा जायजा लिया। मानसूर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देर रात एक युवक का मानसूर थाना इलाके से किडनैप हुआ था, मगर जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो उसके बाद उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो शख्स आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है जिसका नाम नरेंद्र चौधरी है, इसको अपराधियों से मुक्त कराने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप जो पीड़ित है इस शख्स का नाम है नरेंद्र चौधरी, कल नारायण विहार इलाके से इसका किडनैप हुआ था। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो उसके बाद पुलिस ने तुरंत मामले पर कार्रवाई की और तमाम अपनी टीमें दौड़ाई, डीएसटी टीम का भी यहां पर सहारा लिया गया। उसके बाद आखिरकार पुलिस को 6 घंटे बाद एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और नरेंद्र चौधरी को यहाँ पर मुक्त कराया है। पूरी कार्रवाई किस तरह रही है उसको जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर है जो मानसूर थाना प्रभारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह पूरी कार्रवाई रही है और किस तरह इस युवक को मुक्त कराया है। सर किस तरह रही पूरी कार्रवाई? कल कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी नारायण विहार सर्किल से एक युवक का अपहरण हो गया है। सूचनाकर्ता ने गाड़ी के नंबर बताए थे, उस आधार पे हमने एक मोबाइल से अपहरणकर्ता अपने घरवालों से बात कर रहा था, उसकी कंटिन्यू लोकेशन ली और करीब सुबह 3-4 बजे हमने लोकेशन के आधार पे पीछा करते हुए दूदू और वहाँ के आसपास के गाँवों में घूमते हुए वापस मोहाना की तरफ ही आए। तो मोहाना पर हमने हमारी जो चेतक गश्त कर रही थी मोहाना थाने की, उनको सूचना दी, वहाँ पे इनको राउंड अप किया। कितने आरोपी थे सर, कितने क्या मुकदमा दर्ज होता, कितने आरोपी थे मौके पे? जिस शिफ्ट डिजायर में ले गए थे 4 युवक थे, लेकिन रात का अंधेरा होने से एक युवक पकड़ में आया, पीड़ित को हमने दस्तियाब किया और 3 भागने में सफल हुए, उनकी हम तलाश कर रहे हैं। मुख्य कारण क्या रहा है किडनैपिंग की, क्या वजह रही? किडनैपिंग की वजह इनकी आपसी रंजिश है, कोई इनके गाँव में कोई इनका कोई ड्राइवर था जो लड़की को लेकर कहीं चला गया, ऐसा इनका विवाद चल रहा था, उसको लेके इसका अपहरण किया गया था। बाकी जो तीन लोग जो फरार है उसके कोई क्या इन्फॉर्मेशन वगैरह, कब तक क्या पकड़े? उनकी हम तलाश कर रहे हैं, हमारी टीमें गई हुई है, बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जो शख्स है नरेंद्र चौधरी, इसका किडनैप किया गया था, पारिवारिक मामला था और उसी के चलते इस पूरी किडनैपिंग की इस वारदात को अंजाम दिया गया था देर रात। हमारे साथ जो शख्स खड़ा है उससे जानेंगे कि क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि इन्हीं शख्स का यहाँ पर किडनैप हुआ था। क्या नाम है आपका? नरेंद्र चौधरी। नरेंद्र जी, क्या घटना हुई थी, किस वजह से किडनैप किया था, क्या मामला है? आपसी दुश्मनी की वजह से किडनैप किया था। किडनैप करने के बाद कहाँ लेके गए आपको और किस तरह का बर्ताव? किडनैप करने के बाद पहले तो मेरी पूरी कपड़े फाड़ दिए, फिर वहाँ से मेरे को बगरू की तरफ लेके चले गए, फिर वहाँ से रोका, फिर होटल पे रोक के फिर वापस दूध की तरफ लेके चले गए, फिर गाड़ी आई तो पीछा करते करते बगरू की वापस आ गए, फिर आके फिर मोहना की तरफ निकल गए रिको एरिया से बगरू की से, फिर चेतक की गाड़ी से सर ने बहुत अच्छा काम किया, मेरे को छुड़ा लिया, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। क्या क्यों किडनैप किया था आपका, क्या वजह रही थी और इस दौरान किडनैप करने के बाद किस तरह का सलूक किया गया आपको? सर सलूक तो आप खुद देख रहे हो, मेरे कपड़े फाड़ दिए थे उन्होंने पूरे, मेरे को मारा भी था उन्होंने। पैसे की कोई डिमांड वगैरह कुछ नहीं सर, पैसे का मेरे पास कोई डिमांड नहीं हुई। तो बिल्कुल ये शख्स था पीड़ित है जिसको किडनैप किया गया था कल देर रात में, लेकिन अंततः अभी इस मामले के अंदर 3 जो आरोपी है वो फरार चल रहे हैं, पुलिस है लगातार उनकी पीछा कर रही है। माना जा रहा है कि जो तीनों जो आरोपी जो फरार चल रहे हैं पुलिस जल्द ही उनको गिरफ्तार करेगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ यादवेंद्र शर्मा, A1 TV न्यूज़ जयपुर।